तो आज की हम क्लास में आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग को करेंगे इस कंडीशन के लिए। इस कंडीशन आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इस कंडीशन को थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया था, आज हम इस कंडीशन एंड लूप दोनों को कंप्लीट करें। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स लिखता हूँ, कुछ नंबर दे रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में एंड और नेस्टेड इफ दोनों हम डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करेंगे इफ एल्स के बारे में। जी हाँ, इफ एल्स, जब मल्टीपल कंडीशन लगाना हो उसमें हम इफ एल्स कैसे लगाएंगे। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डेट डाला हुआ है, डेट के अंदर यहाँ पे मान लीजिए हम अगस्त का हमने डेट डाल, सॉरी, और यहाँ पे मुझे ऑफिस का स्टेटस डालना है। क्या डालना है? ऑफिस स्टेटस। तो इसमें क्या है कि अगर सैटरडे हुआ, यहाँ पे कंडीशन है कि अगर सैटरडे हुआ तो हाफ डे होना चाहिए, अगर संडे हुआ तो ऑफ होना चाहिए, बाकी दिन क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, क्या हो गया इस कीबोर्ड में। अब यहां हम डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट करते हैं एक मॉड्यूल, और बेटर समझने के लिए हम डुअल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको दोनों एक साथ दिखे कि आपकी प्रोग्रामिंग और दोनों क्या है। सब्जेक्ट नेस्टेड इफ अंडरस्कोर 1 का एक हम दे देते हैं। अब यहां पे हम डिम लेते हैं कि डिम डी एज ए डेट, क्योंकि डेट है इनपुट, इसलिए हमने क्या लिया? डेट लिया, और हमें सैटरडे संडे देखना है तो डिम डी डी एज ए हमने स्ट्रिंग कर दी, और फिर डिम एस जो स्टेटस है एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग हुई। अब डी यहां पे लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 2, 2 से चलना है, कहां तक चलना है? 38 तक, 2 to 38। फिर यहां पे नेक्स्ट आई कर देते हैं, क्योंकि जो भी करना है इसी के अंदर में करना है हमें। अब सबसे पहले इस डेट को हम इनपुट लेते हैं किसके ऊपर? डी के ऊपर। डी इक्वल टू हम यहां पे दे देते हैं रेंज, रेंज में हमने बोला ए के साथ आई कॉन्केट हो जाए। यहां दूसरा तरीका अपना रहा है, हम सेल्स वाला नहीं ले रहे हैं, हालांकि ले सकते हैं बट नहीं ले रहे। फिर यहां पे हम कहते हैं डी डी इक्वल टू फॉर्मेट, और इसके अंदर हम कर देंगे यहां पे डी कॉमा डी डी ट्रिपल डी। अब देखिए क्या है कि अगर इसको पूरे को अगर इन्वर्टर को हमें डाल देंगे ना तो ये सेम ऐसा ही दिखाएगा, तो आपको यही था सर दिक्कत। अब यहां पे आ गए, अब यहां पे कंडीशन लगेगा कि इफ अगर डी डी इक्वल टू, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर सैटरडे संडे कैप्स वगैरह में दिक्कत होगा, तो लास्ट टाइम बताया था कि हम इसको जो क्या करेंगे यू केस में ले लेंगे। किसमें? यू केस में, मतलब जो फॉर्मेट जो भी रिटर्न करेगा उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां हम इसको सैटरडे लेते हैं, सैटरडे कि डी डी अगर सैटरडे है देन एस के ऊपर जो हमारा एस है, एस के ऊपर स्टेटस के ऊपर एच डी मतलब कि हाफ डे लगे। अब यहां पे मैं एंटी फिर दूसरा नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे एक कंडीशन मैच ना करे तो दूसरा कंडीशन लगाना है। तो यहां पे हम एल्स इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल्स इफ कि यहां पे डी डी इक्वल टू संडे देन एस इक्वल टू ऑफ ऑफ, और यहां पे एक और एल्स लगाएंगे एस इक्वल टू ओपन, इसके अलावा कुछ और होगा तो ओपन आएगा, और यहाँ पे हम एंड इफ कर रहे। अब यहाँ पे एल्स इफ समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं ना कि भाई इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो
500 आ जाए, अदरवाइज इफ एक और लगा तो जो दूसरा इफ लगा वो फॉल्स पार्ट में लगा ना सर, जो सेम चीज ये दूसरा इफ हमारा फॉल्स पार्ट में लगा, इसी को एल्स इफ कहते हैं। उसके बाद फिर वापस क्या करना है, रेंज बी कॉलम के अंदर, क्योंकि तो रिजल्ट तो आपका स्पेस पे सेव है ना, बी के साथ हमने आई को कॉनकेट कर दिया और यहां पे वैल्यू इक्वल टू हमने एस कर दिया। अब इसको रन कीजिए, रन करते हैं देखिए यहां पे ओपन आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है बट या ग्रेड देना है, ग्रेड मान लीजिए, हाँ ग्रेड देना है। अब ग्रेड देना है इसमें तो क्या करें हम, अब यहां पे क्या करेंगे हम, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा इफ लगाते हैं, सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर टू। अब ग्रेडिंग क्या देना है कि स्लैब है हमारे पास, कि अगर लेस देन जीरो हुआ या सॉरी नहीं लेस देन जीरो, जीरो टू अगर 40 होता है तो यहां पे आना चाहिए डी ग्रेड। अगर 41 टू 60 होता है तो आना चाहिए बी ग्रेड, अगर 60 to 90 होता है तो सी होगा ना, यहाँ पे बी आना चाहिए, और 90 greater than 90 होगा तो यहाँ पे ए ग्रेड आना चाहिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे, तो सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे करते हैं डिम एस एज ए लॉ, और डिम रिजल्ट या जी आर कर दीजिए कि जी एज ए क्या होगा स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट है। अब यहां पे कई सारे को जगहों पे करना है हमें, तो हमें लगाएंगे लूप, लूप में हम आई इक्वल टू टू लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रो टू से स्टार्ट है इसलिए टू लेंगे, कि टू टू चले कितना। अब इसको ऑटोमेट करना तो पता आया था ये आपको, एक बार और बता देता हूं कि ऑटोमेट करने के लिए हम लिखेंगे ए 65,000, या इसे भी लिख सकते हैं आप सीट टू डॉट यूज्ड रेंज डॉट रो, हम ए भी कर सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट आर 65,000 तक का तो बताया था, अब हर तरीके से आपको बता देता हूं ताकि आप अपने हिसाब से जो तरीका है वो यूज करें। अब यहां पे करेंगे हम कंडीशन, सबसे पहले लोड करेंगे एस के ऊपर सेल्स, तो सेल्स रेंज ए के साथ हमने आई को कॉनकेट किया, और इफ कंडीशन इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 40 देन क्या होना चाहिए, जी इक्वल टू होना चाहिए डी ग्रेड। फिर यहां पे एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 60 देन जी इक्वल टू सी, तो क्या होगा कि अगर 40 से ऊपर होगा तभी दूसरे बार को वो फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं फॉलो नहीं करेगा, यही दिखा देगा। अगर 35 या 32 हुआ तो यहीं पे इसको रिजल्ट देगा और नीचे के सारे कंडीशन जो भी कंडीशन होंगे सारे को इग्नोर कर देगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एस इज लेस देन 90 तो यहां पे क्या है, यहां पे है बी, और फिर यहां पे एस इज ग्रेटर देन 90 तो यहां पे आए ए ग्रेड। एल्स जी इक्वल टू हमने कर दिया फेल, और यहां पे एंड इफ, इस तरह से आप
कंडीशन लगा सकते हैं, और यहां पे हम कर देते हैं रेंज बी। सर स्केल का सर तो स्केल कोई का तो कोई स्पेसिफिक ये नहीं स्पेसिफिक हुआ, ये नहीं हुआ, एक रिजल्ट लास्ट देते, क्योंकि हम लास्ट दे देते क्या, कोई अगर भी हमको मार्क्स कोई तो सर 40% से लेस होगा ना, देखिए अगर छोटा है तो, नहीं तो क्या फिर तो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एरर आया या किसी तरह का हाँ, टेक्स्ट रहा या कोई और करेक्ट हुआ नंबर के अलावा, एरर तो आ उसके रहा बाद है फेल दिखा, सर। ओके सर, या फेल वो कुछ और दे दीजिए, मतलब एक ठीक है इक्वल टू जी। अब इसको रन कीजिए, अच्छा ये यूज रेंज वाला जो पार सीट सीट वन है ना, सॉरी हाँ यहाँ सीट वन होना चाहिए, सीट टू कर दिया हमने, सीट वन है ना, ई टू सीट वन, अच्छा यूज रेंज काम नहीं करता है, यूज रेंज काम नहीं करता है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को एक बार और कॉपी करते हैं और इसी को E3 करते हैं, इसमें एक और करते हैं, इस बार जो है हमारे पास ग्रेड नहीं है, इंसेंटिव है ठीक है, और सेम यहां पे 500 देना है, यहां पे 1,000 देना है, यहाँ पे 2,000 देना है, और यहाँ पे 5,000 देना है, राइट। तो इस केस में हम ये जो उसको लगाए ना, इसको नहीं लगाए, तो यही लगाएंगे, नहीं सॉरी इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी नहीं करना चाहता हूं, मैं इसके लिए दूसरा एक मेथड यूज करूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अब यहाँ पे मेथड दूसरा ही ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे सिलेक्ट, एक सिलेक्ट भी होता है जो इस तरह की स्लैब के लिए यूज किया जा सकता है, तो सिलेक्ट केस विद किसके साथ, तो एस के साथ। अब यहां पे लिखते हैं कि केस 0 to 40 तो जी इक्वल टू 500, फिर केस 41 to 60 then G इक्वल टू 1,000, केस 61 to 90 G इक्वल टू 2,000, केस ग्रेटर देन 90 इज अपने आप लग जाएगा, तो जी इक्वल टू 5,000, और यहां पे एल्स जी इक्वल टू फेल, नहीं फेल नहीं हो, जीरो का गेट, और यहां पे एंड सिलेक्ट ठीक है। तो इस तरह से भी हम केस का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जैसे कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो ज्यादा, जैसे कि और वगैरह एंड वगैरह लगाने में दिक्कत हो रही हो, तो हम स्लैग केस का यूज करते हैं। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे मान लीजिए कि आप ये कर सकते हो भाई, यहाँ पे कि 90 कर दे, 95 को 90, यहाँ पे 95 97 इस तरह का, आपको इफ के साथ और वगैरह लगाना पड़ेगा, बट यहां पे और वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं ठीक है। रन करते हैं, तो सॉरी एक नाम का दो माइक्रो नहीं होगा, एक गलती है इसमें, इसमें गलती क्या है ढूंढिए, तो कोई गलती ढूंढना, आप लोग मुझे भेजते हैं तो मैं आपकी गलती ढूंढ के बताता हूं ना,
इसमें एक चीज गलत है, मुझे बताइए क्या गलत है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ढूंढिए इसमें। एक चीज मैंने गलत किया है जो नहीं करना चाहिए। जी को स्ट्रिंग देने की जरूरत जवाब नहीं है सर, हमने सिलेक्ट जी कैसे को स्ट्रिंग में आना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे जी को स्ट्रिंग कर दिया। हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट नन कैलकुलेशन वगैरह में आगे दिक्कत हो जाता, या टेक्स्ट के रूप में एंटर होता। जी एज ए हमें लॉन्ग या इंटीजर लेना होगा, ये गलत थी। यहाँ पे केस एल्स, ठीक है। अच्छा सर, आपने सिलेक्ट केस एस लिखा एस लिखा और और इधर जी जी लिया लिया वो वेरिएबल जी, वेरिएबल। क्या हुआ? सुनिए, इसमें जैसे इफ लगाते तो हर बार में कंडीशन लगाना पड़ता है ना, सिलेक्ट केस में ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पे सिलेक्ट ले लिया, केस ले लिया, हाँ हाँ और यही पे एस कर दिया, तो नीचे जितना भी कंडीशन लगेगा केस उसको एस को अपने आप डिनोट कर लेगा, ठीक है ना। ओके 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 तो इसलिए केस कंडीशन लगाते जाइए। और यहाँ भी इस तरह से आप टू के तरह से लिख सकते हो, ग्रेटर देन लिख सकते हो, कॉमा करके लिख सकते हो, तो यहाँ सब फ्रीडम होता है, ठीक है। इसलिए हम सिलेक्ट केस लगाते। ओके तो सर यहाँ ओके सर यहाँ पे आपका लॉजिकल कंडीशन होता है खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं लूप के बारे में कि लूप क्या है। हालांकि फोर लूप मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपको, लेकिन फिर भी अब लूप को ऑफिशियली मैं पढ़ा देता हूं। लूप क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये तो मैंने बता ही चुका हूं। अब लूप कितने तरह के होते हैं और कब कब क्या यूज होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम फोर लूप के बारे में बात करें तो फोर लूप और डू लूप दो तरह की कैटेगरी है, दोनों के अंदर दो दो सब कैटेगरी है। फोर में एक हम लेते हैं स्टार्ट टू एंड, मतलब कि आई इक्वल टू हम 1 to 100 इस तरह से एक लेते हैं, जो कि अभी तक लेते आए हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा, राइट। फिर एक आता है फोर इच। क्या आता है? फोर इच। फोर इच में क्या होता है कि जब आपके पास कोई नंबर ना हो, कोई ऑब्जेक्ट हो कि भाई इतना सेल पे चलना है, इतने सीट्स पे चलने हैं, तो उस केस में हम फोर इच लेते हैं। देन आता है डू वाइल एंड डू अंटिल। डू का लूप कब करते हैं? डू का लूप यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई संख्या ना हो कि हमें कितना बार रिपीट करना हो, बट एक कंडीशन हो कि ऐसा जब तक होता रहे तब तक चलता रहे, ऐसा ना हो तो बंद हो जाए, उस केस में डू वाइल एंड डू अंटिल लूप लेते हैं। तो फोर आई 1 to 10 तो आप लोगों को समझ में आया, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अब हम फोर इच को लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ नाम है हमारे को, ऐसे कुछ नाम, अब मुझे क्या करना है, इन सबको अपर केस में कन्वर्ट करना। तो एक्सेल में क्या है, अपर का फॉर्मूला है कि मुझे कॉलम ऐड करके फिर अपर का फॉर्मूला लगा के फिर इसको अपर केस में कन्वर्ट करता हूं। तो ऐसे कई सारे अलग अलग कॉलम पे दिक्कत हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कोई कमांड हो कि मैं पूरा को सिलेक्ट करूं और रन करूं तो एक अगर अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो अब क्या है कि मुझे जो अपना अपर केस करना है वो किस में करना है, सिलेक्टेड एरिया। देखिए, अपर केस करने का सिंपल साधन है कि यहां पे आप लिखिएगा कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस A1 डॉट वैल्यू। अच्छा, रेंज देना होगा ना, हमने छोड़ दिया रेंज, ठीक है। इसको रन कीजिएगा तो ये आ गया, लेकिन सिर्फ ये तो इसके ऊपर आया ना सर, मैं चाहता हूं कि पूरे पे आए। तो अगर एरिया सेलेक्ट कर लेंगे तो हाउ कैन डिफाइन कि A1 है, AB1 है, C1 है, A2 है। तो इसको हम लूप में डालेंगे, उससे पहले हमें रेंज पे वर्क करना है, इसलिए हम रेंज वेरिएबल लेंगे कि डिम आर एज ए रेंज।
फिर फोर का लूप लगाएंगे कि फोर इच आर इन सिलेक्शन, इस तरह से सेंटेंस देना होगा। सिलेक्शन मतलब कि यहाँ पे आर को हम रेंज मान लिया और हमने बोला कि फोर इच, मतलब कि हर किसी को आर मानो, किसमें, सिलेक्टेड एरिया, और जहां जहां ए वन बी वन था उसको हम आर दे देते हैं, क्या देते हैं, आर, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आर करते हैं। तो जितना एरिया हमारा सिलेक्टेड है ये सब पे चलेगा। चलिए एफेक्ट करके आपको चला के दिखाता हूं। एफेक्ट पहले को यहां देखिए, आर ए जो किसको है माना, पूजा को माना, ठीक है। अब इसके बाद वापस चला जाएगा कहां पे, बी वन पे, कहां पे चला जाएगा, बी वन पे, देखिए मोहन को चेंज कर दिया, फिर ऐसे चलेगा बी वन सी वन डी वन, देखिए डी वन पे आएगा, डी वन कर दिया, ई वन नहीं था कुछ नहीं किया, फिर यहाँ पे थ्री, तो इस तरह से आपका इस तरह से चलता जाएगा, सबको आर मानता जाएगा और आपका एक सिलेक्टेड एरिया में आपका काम होता है। तो इसका यूज कब करते हैं, जैसे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया या पिवट टेबल हो गया, वो सब कहाँ वर्क करता है, एक सिलेक्टेड एरिया में वर्क करता है ना सर, एक एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है ना। जैसे आपने अगर कोई ऐसा कुछ ऐसा बनाया मैक्रो के फॉर्म में या किसी और के फॉर्म में जो कि एक फीचर की तरह हो, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले लीजिए, कस्टम फॉर्मेटिंग ले लीजिए, फिल्टर ले लीजिए, वो सब को एक एरिया हमें सिलेक्ट करके देना होता है, तो उसी एरिया में लगता है क्या। तो वहां पे हम फोर इच का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपके सामने दिख रहा है हम फोर इच का इस्तेमाल कर, तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट, एक और एग्जांपल देते हैं, लूप अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे करते हैं डिम आर एज ए रेंज, हमने रेंज डिफाइन कर लिया, फिर देते हैं फोर इच आर इन सिलेक्शन, सिलेक्शन, फिर यहां पे हम करेंगे नेक्स्ट आर, ओके। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कंडीशन देते हैं कि इफ इज आर ई आर डॉट वैल्यू, अब हर सेल रेंज ए वन बी वन सी वन को आर मान लिया जाए, कि आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी रेड, और यही पे हम कर देंगे एंड एफ। तो जितना एरिया सिलेक्टेड है ना सब पे आपका ये देख, एक मिनट, नेक्स्ट आई नहीं नेक्स्ट आर होगा, यहाँ जो यहाँ डिफाइन करेंगे वही यहाँ देना होगा, हो गया। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिलेक्शन ही दो, आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज भी दे सकते हो कि रेंज के वन से लेके एफ 16, इस तरह से आप दे सकते हो, तो सिलेक्शन भी दे सकते हो और एक पर्टिकुलर एरिया भी दे सकते हैं, जो एरिया या जो सिलेक्शन देंगे उसके हर एक सेल में आपके जो भी ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को फॉलो करेगा, या ठीक भी है। यूज हाँ रेंज दे दो। यूज रेंज से दे सकते हो, देख लीजिए करके एक दिन देख लेते, यूज रेंज से सीट का होता है ना कि सेल का होता है, तो कौन सा सीट है हमारा, सिट सिक्स ये रहा, तो यहाँ पे सीट 6 डॉट यूज्ड रेंज, इसको हम सिंगल कोट लगा देते हैं ताकि कमेंट में कन्वर्ट हो जाए, रन करके देखें, ठीक है, समझ गए। और जरूरी नहीं है कि फोर इच जो है आपका सेल पे वर्क करे, ये एक्सेल वर्कशीट पे भी वर्क करता है, कि सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लूप अंडरस्कोर 3 कर दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज 3 है ना। अब जैसे मैं चाहता हूं कि हर शीट का नाम डेटा वन डेटा टू ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव हो जाए हर शीट का नाम, ठीक है, ई एक्स वन ई एक्स टू इस तरह से हो जाए, तो यहां पे करेंगे डिम
डब्ल्यू एज ए वर्क सीट, ठीक है, फिर करेंगे फोर सर एच मतलब फॉर ईच हम डब्ल्यू वही पे यूज करेंगे जहां पे हम ऑब्जेक्ट किसी कॉलम में कॉलम में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड होंगे, ऑब्जेक्ट कॉलम रेंज सेल पे करेंगे। यहां देखिए ना, फोर इच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क थ्रो, हमने बोला कि हर एक सीट पे जाओ किसके अंदर एक्टिव वर्क होते हैं, और फिर बोला कि यहाँ पे हम आर आर इक्वल टू आर प्लस वन कर देते हैं, तो एक नाम के कई सारे सीट नहीं हो सकते ना, इसलिए हमने बोला डब्ल्यू डॉट नेम इक्वल टू ई एक्स, और इसके साथ हमने कॉन्केट कर दिया आर, ठीक है। अब हर सीट का नाम डेटा वन ई एक्स वन ई एक्स टू एक्स थ्री हो जाएगा, एवरी सीट का नाम देख एक में। सर आर तो सर यहाँ पे आर डिफाइंड ही नहीं है ना। डिफाइंड नहीं है, क्या डिफाइंड नहीं, आर 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 मतलब एक नहीं, नहीं उसी में क्रम नहीं है, इन एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट, वर्कशीट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, सीट नहीं होगा वर्कशीट्स, कई सारे सीट की बात हो रही है ना, इसलिए हो गया। और आर डिफाइंड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको वेरिएबल ले लेगा, आप डिफाइन कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब चलिए एक और चीज बताता हूं जो कि आगे आपकी आगे वाली प्रोजेक्ट में आपके साथ यूज होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक एरिया ले लिया हुआ है, इसमें देखेंगे कि पूजा कई बार रिपीटेड है, मुझे इस सब का यूनिक रिजल्ट डी पे चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए यूनिक, जैसे हम लोग यहाँ कॉपी करके रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, या यूनिक का जो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे एक्सेल में इक्वल यूनिक का फॉर्मूला लगाते हैं ना, यूनिक फॉर्मूला क्या करता है, यूनिक लिस्ट दे देता है, यही यूनिक लिस्ट में वीवी के थ्रू चाहिए। चलिए करते हैं, सब्जेक्ट फोर अंडरस्कोर फोर, अब यहां पे लूप लगाएंगे, यहां पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डिम, यहां पे लेते हैं डी टी एज ए न्यू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन एक एरे टाइप डेटा टाइप है, न्यू कलेक्शन क्या है, एक एरे डेटा टाइप है, और इसके अंदर की खासियत यह है कि डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल ही है न्यू कलेक्शन, जो कि डेटा स्टोर करता है जैसे स्ट्रिंग लॉन्ग सब करता है, लेकिन इसमें क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बट डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा। अब यहां पर लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू, कितना रेंज नीचे, ये आपका 125 है तो 125, और यहां पे नेक्स्ट आई को मिलते हैं, और फिर यहां पे हम करते हैं कि डी टी डॉट एड, क्या ऐड करना है, तो हमने बोला सेल्स में आई रो एंड वन कॉलम को की वैल्यू को ऐड करना है। अब यहां पे क्या होता है कि आपको एक की देना होता है, मतलब कि स्ट्रिंग में है या फिर इसमें, हर किसी को एक यूनिक की देना होता है ताकि डुप्लीकेट, तभी तो डुप्लीकेट नहीं रखेगा वो, तो यहां पे क्या करेंगे हम सी एस टी आर का फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज एस टी आर, मतलब इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं कि सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, ये करना ही पड़ेगा, मैं तो नहीं होगा सर, इसको कन्वर्ट कर दिया, तो सिंपल हमें इस तरह से वैल्यू देना है, एक एक करके सारी वैल्यू ऐड करता जाएगा, ये सारा नाम इसके अंदर ऐड करता जाएगा, लेकिन जब ऐड करेगा तो जैसे ही पूजा दूसरा बार आएगा ऐसी एरर दे देगा, देखिए रन करो, रन करते ही यहाँ पे एरर आ गया कि दिस की इज ऑलरेडी एसोसिएट विद द एलिमेंट इन दिस कलेक्शन, एरर आ गया। तो यहां पे मैंने क्या करूंगा कि मुझे पता है एरे की एरे जेन्युइन है, तो मैं यहां लिखूंगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, इससे क्या होगा कि जो एरर आएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा उसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाएगा, और डीटी के ऊपर सारे के सारे लिस्ट जो होगा
वो ऐड हो जाएगा यूनिक। लेकिन अब डीटी के ऊपर तो कई सारे लिस्ट एडेड है, और सारे लिस्ट को मुझे यहां पे स्टोर करने, तो कैसे करें? हमें नहीं पता कितना वैल्यू होगा, 5 बार 10 बार कितना बार है, तो आइडिया नहीं है ना सर। तो यहीं पे लगाएंगे लो, यहाँ पे 4 इंच, यहाँ लिखेंगे कि 4 इंच, यहाँ पे आइटम देंगे, मतलब कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिफाइन आइटम होता है, कोई एरे इस्तेमाल करते हैं या कलेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो ऑलरेडी आइकन जो है वो एडेड होता है, ठीक है? तो आइटम इन डीटी और नेक्स्ट आइटम कर दीजिए, और यहां पे हम दे देते हैं कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम। आइटम से वैल्यू ले लेंगे, सारी वैल्यू किससे आ जाएगी? आइटम जैसे यहां आ जाती है, आर से आ जाती थी, आर डॉट लगाते थे या डब्लू डॉट लगाते थे, तो क्या था? तो वेरिएबल था, रेंज था, बट ये एरे है, तो एरे में हम किससे लेंगे? आइटम से लेंगे। अब इसको रन कीजिए, सारी यहां पे सॉरी A1 पे दे दिया है, हमें यहाँ पे D1 पे करना था ना। आ गया सारे नेम, एग्जैक्ट नेम आ गया, ठीक है? अब इसको ये ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आपको देने वाले हैं प्रोजेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगला चलते हैं हम बात, अब 4 इंच हम समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप का। तो यहाँ पे सब लूप डू डू अंडरस्कोर वन लाइक एन ओपन क्लोज। डू में क्या है कि कंडीशंस है, क्या है? कंडीशंस है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया, अब मुझे इसके आगे 500 लिखना है। अब ये कितना है क्या नहीं है इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, बस इतना पता है कि जब तक सेल में A1 में ए कॉलम में वैल्यू है, बी कॉलम में डेटा डालते चले, सिंपल से। तो हमने यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस वन कर दिया, फिर लगाया डू व्हाइल हमने बोला कि सेल्स आर कॉमा वन सॉरी आर कॉमा वन डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे सेल्स आर कॉमा बी बी मतलब कि 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500, और फिर आर इक्वल टू आर प्लस वन, क्योंकि इसमें लूप की तरह आई तो नहीं, जो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा, और इसको खत्म करते हैं लूप से, डू से शुरू करते हैं लूप से खत्म करते हैं। यहां रन कीजिए, 500 आ गया। तो जैसे यहां पे उसको ब्लैंक मिला, इसने माइक्रो को स्टॉप कर, क्या किया? माइक्रो को स्टॉप कर दिया। और डू अंटिल क्या करेगा? डू अंटिल भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है, बस कंडीशन चेंज हो जाता है कि नॉट इक्वल टू 0। अब इसको बोला ये क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू 0, मतलब जैसे इसको इक्वल टू 0 मिलेगा ना, ये स्टॉप होगा, ये इसको नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा तो चलेगा, और इसको इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो बंद हो जाए, ठीक है? तो सेम सारे सबकी जो है, एक मिनट, एक नाम के दो माइक्रो नहीं होगा, ठीक है? अब बोलेंगे सर इसको तो हम लूप से भी कर सकते थे, फोर लूप से, फिर क्या फायदा डू व्हाइल लूप और डू अंटिल लूप लगाने का? देखिए फायदा है, इसका यूज होता है जहां पे आपको पता ना हो कि आपकी रिपीटेशन कितना हो, उसमें यूज करते हैं। जैसे सब डू अंडरस्कोर हमने टू कर दिया, टू थ्री बाय के रोते में क्लोज। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक इनपुट बॉक्स में नेम लेना,
तो मैंने बोला एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे बोला कि एंटर नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं रन करूंगा तो ये आया, अब मैं इसमें नाम डालू ना डालू, ओके कैंसिल कुछ भी कर सकता हूं। अब यही पे दिक्कत आ गई भाई, आपको इसमें जब तक नाम नहीं डालोगे तब तक ये इनपुट बॉक्स री अपीयर होता रहे। अब यही पे प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई सर, कि री अपीयर कितना बार होगा, यूजर सामने वाला बंदा कितना बार में इसको नेम डालेगा, गारंटी है 5 बार 10 बार 20 बार भी डाल सकता है, नो काउंटेबल, इसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। तो यहां हम क्या करेंगे, हम करेंगे डू व्हाइल, मैंने बोला एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नहीं नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा कि वैल्यू, नहीं नॉट इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू ब्लैंक। तो यहां पे क्या करें, अब इसमें मैं कैंसिल करूंगा ना, नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा, जब तक मैं इसके अंदर कोई नाम डाल के ओके ना कर दू तब तक ये आपको अपीयर होता रहेगा, और आपको वाइल के इसके अंटिल के साथ चलना है। तो क्या करेंगे, बस कंडीशन को चेंज कर देंगे कि यहां पे अंटिल और यहां पे बोल देंगे कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा करना है कि जब तक मैं इस ये मान लीजिए अब अगला जो टॉपिक हमारा इवेंट मैक्रो होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि X1 जो है आपका example 1 वाली सीट पे जैसे आप जाएंगे आपसे पूछेगा पासवर्ड, जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं डालते हैं तब तक इसके अंदर घुस के काम नहीं हो। तो हम सीट 1 पे डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाएंगे वर्कशीट और इसके अंदर जाएंगे एक्टिवेट, ठीक है, कि मेरा माइक्रो कब चले, जब मेरा सीट एक्टिव हो। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिंपल सा टू व्हाइल एन इज या पासवर्ड पी इज इक्वल टू, हमने बोला 1 2 3 यहाँ पे लूप दिक्कत होता है। उसके बाद यहां पे करते हैं हम पी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसके अंदर हमने डाल दिया कि एंटर पासवर्ड एंड देन लूप, सिंपल सा, ठीक है। तो जैसे हम EX1 पे जाएंगे, नॉट इक्वल टू आई थिंक, दूसरा पासवर्ड, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए मैं वाई वाई करके एंटर मारता हूं या डब्लू डब्लू करके एंटर मारता हूं, ठीक है, नहीं लगा, लेकिन जैसे 1 2 3 डाल के एंटर मारा, अंदर घुस के काम करने दिया। और यहां आपको वाइल में कंफ्यूजन है तो क्या लगाइएगा, अनटिल, अनटिल यानी यहां पे हो जाएगा पी इक्वल टू। तो जैसे हम सीट 1 पे क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए पॉपअप आएगा पासवर्ड का, जब तक मैं करेक्ट पासवर्ड नहीं डाल दूंगा तब तक मैं यहां पे क्लिक ही नहीं करने देगा, क्योंकि ये आ गया आपके सामने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मैं पासवर्ड करेक्ट ना डालू, ठीक है। करेक्ट पासवर्ड डाल दूंगा इसके आगे आप मैसेज वगैरह और बाकी सब चीजें दे सकते हो और उसके अंदर आप उसको वार करने दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे डू अंटिल एंड डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं जहां कोई काउंटेबल ना हो कि क्या काउंट है क्या नहीं है, क्लियर है।
तो लूप समझ में आ गए, यहां पे दो टॉपिक खत्म किए, इफ कंडीशन एंड लूप, ये दोनों समझ में आ गया, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? पूछिए। पूछना था सर। अच्छा अच्छा, आपने जो एक्शन है, आपने जो डेट का जो लिखा था ना सर, डेट का जो बताया था ना सर, तो रो में चाहिए था सर, ये जो वर्टिकल में है ना सर वो। क्या समझे नहीं, कौन सा डेट की बात कर रहा है? जो आपने अपना स्टार्ट अपना ओपन और लिखा है सैटरडे ऑफ वाला, हाँ उसको रो में करना रहेगा, तो रो में करने लिए तो क्या? वो ही तो है। नहीं, ये कॉलम में है, ये रो में चाहिए सर, इधर ए में हाँ तो वन कोई है बात नहीं, यहाँ पे सर। सुनिए, यहाँ पे जो मैंने कॉलम यहाँ पे जो लगाया है ना, यहाँ पे सेल लग जाएगा, सेल्स अब पता है ना आपको सेल्स, तो हाँ सर, सेल्स के अंदर यहाँ पे आज आई रो एंड वन कॉलन हो गया ना। हाँ हाँ चलिए मैं बता ही देता हूँ, वरना पता चलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाइए। ऐसे भी आपकी बीवी ना हाथ तंग है सर। चलिए मैं एक सिंपल सा बताता हूँ कि मैं यहाँ पे ए कि मुझे एक कॉलन ए में मान लीजिए 31 डेट डालना है, कितने डेट डालने हैं, 31 डेट डालना है, कैसे लाद डालेंगे, फिर आप अपना कंफ्यूज अपना जो है लगाते रहिएगा। तो यहाँ पे लूप आर इक्वल टू चले 1 2 या 2 2 जो भी है, हमने 30 कर दिया। नेक्स्ट आए, अब यहां हम करेंगे सेल्स, सेल्स में लिखेंगे रो नंबर 1, कॉलम हम कर देंगे आई में, यहां पे स्विच हो जाएगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे आप जो है यहां पे डेट का सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेट सीरियल, हाँ डेट सीरियल 2023, 8वां महीना और तारीख में हमने आई ली, तो क्या होगा कि वर्टिकली ये डेट डालना शुरू कर दे। डाल दिया सर, जी अब इसके ऊपर कुछ करना है तो यही होगा, बस क्या होगा कि सेल में अगर कॉलन वाइज है आपका, तो आप आई को यहां रखेंगे और जे को यहां रखेंगे, सॉरी आई को यहां रखेंगे और कॉलम नंबर यहां रखेंगे। अगर आपका रो वाइज इस तरह से रो में है, तो क्या करेंगे कि आपका 1 या जो भी रो नंबर 1 2 3 4 5 जो भी रो नंबर होगा उसको यहां रखेंगे और कॉलम नंबर आपका आई यहां आ जाएगा, सिंपल, ओके। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब आप लोगों को आज की यहाँ पे टॉपिक होती है खत्म, और आज आप लोगों को एक जो है प्रोजेक्ट सर देने एक वाला हूँ। पूछिए। क्वेश्चन हाँ था सर, जैसे ना एक हम लोग जी अभी जो वो है मतलब ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम ना फाइबर टेबल बनते हैं, ठीक है, कस्टमर की एजिंग वगैरह भागते हैं, ठीक ठीक है, तो है, उसमें क्या तो होता है उसमें कि क्या होता है कि वो जीरो वो से जीरो थर्टी से डेज आते थर्टी हैं, डेज आते हैं, 60 डेज आते सिक्सटी हैं, डेज और आते हैं, और 60 to 90 आते हैं, 60 to 90 आते हैं, और अबोव और 90 अबोव आते हैं, 90 ठीक आते है। हैं, ठीक है। अब वो क्या अब होता है, वो क्या हर होता है, बार हर वो बार वो एक फिगर के फिगर हिसाब के से, हिसाब कभी से तो 90 कभी आ तो गया 90 आ जाता, गया कभी जाता है, 60 कभी भी आ जाता 60 है, भी आ कभी जाता है, 30 कभी भी आ 30 जाता भी है, आ कभी गया 30 ऐसा आ गया तो ऐसा तो 90 नाइनटी उसमें आ वाला गया जाता है, वाला जाता है, फिर मतलब फिर लास्ट में मतलब लास्ट 60 में आता है। 60 आता है। तो अपने को अपने क्या है कि को वो क्या है ना कि वो ना एक ऐसा फिर मैट्रो ऐसा बनाना है, मैट्रो मतलब बनाना है, इससे मतलब यूज कर इससे यूज सकते हैं कर कि सकते हो जो कि जो सबसे पहले आए सबसे 0 से 30, पहले आए जीरो, उसके बाद उसके थर्टी बाद टू थर्टी सिक्सटी टू और सिक्सटी उसके और बाद उसके सिक्सटी बाद टू नाइनटी सिक्सटी और उसके बाद अबोव टू नाइनटी। नाइनटी। ठीक है, तो इस पे आप हेलो बनाना शुरू कीजिए, जहां अटकेगा मैं हेल्प कर दूंगा मैं आपको। कोडिंग शुरू तो ठीक है सर, कीजिए मैंने लीजिए आप, बनाया मैंने तो है, बनाया नहीं तो है, मैंने हाँ बनाया है मैंने लेकिन बनाया वो लेकिन वो, हाँ तो जहां पे मतलब अटक थोड़ा रहे हैं उसका डायनेमिक स्क्रीनशॉट नहीं हो भेजिएगा पाया सर, यहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करेंगे बता दूंगा आपको ना। ठीक है, ठीक देखिए मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं कि मैं आपको एक डेटा दिख रहा हूँ सर, मैं आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूं, ठीक है? अभी जो डेटा है स्टोर बाय दिख रहा है,
अब आपने एक ऐसा मैक्रो बनाना है कि ए अलग अलग फाइल या अलग अलग सीट में स्टोर का डेटा अलग। अब स्टोर कितना है आई डोंट नो, ठीक है, बट जो भी इसके अंदर जो भी स्टोर का लिस्ट है उसका डेटा अलग अलग सीट पे कर दीजिए या अलग अलग फाइल पे कर दीजिए। ये फाइल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूं, ठीक है, मुझे इसका माइक्रो बनाइए। अगर माइक्रो भेज नहीं सकते तो आप क्या कीजिएगा, इसकी माइक्रो की कोड या इसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए और मुझे चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग अपना माइक्रो बनाते समय जो दिक्कत आता है, जैसे आपने अभी मुझे बताया ऐसे करेंगे, तो मैं अभी ऐसे आपको क्या जवाब, जब आप मुझे अपने डेटा शेयर करेंगे, अपना कोड शेयर करेंगे, तो देखो हाँ इसमें एक दिक्कत है, चलो इसमें ऐसे कर ले। डेटा क्या बोले अभी, क्या बोले सर, बताए ना सर। मैंने एक डेटा शेयर किया है, डेटा के अंदर सिटी है, ठीक है, स्टोर है, मुझे स्टोर के हिसाब से डेटा अलग अलग चाहिए, मुझे स्टोर के हिसाब से डेटा अलग अलग चाहिए, ठीक है, क्लियर है। डेटा मैं आप लोग डेटा